झिलबिया पहाड़ की जो मेन चढ़ाई होती है उसकी यात्रा शुरू कर दिए हैं बोलबम। और देख सकते हैं अब हम लोग झिलबिया पहाड़ की चढ़ाई की शुरुआत कर चुके हैं। यहाँ से हम लोग टंकेश्वर धाम पहुँच चुके हैं और ये टंकेश्वर का धाम का नज़ारा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और टंकेश्वर के बाद आप लोगों को सुइया पहाड़ की यात्रा देखने के लिए मिलेगी। और गर्मी तो इतनी बढ़ चुकी है कि क्या ही बताएं, पूरा पसीना पसीना हो चुके हैं। आप देख सकते हैं पूरा चेहरा में पसीना हो गया है और क्या ही बताऊं, मतलब पाँव इतना हीट हो रहा है ना कि एकदम चलने का मन नहीं कर रहा, बालू पूरा गर्म हो चुका है। बोलबम हर हर महादेव। देख सकते हैं झिलबिया पहाड़ की चढ़ाई अब हम लोग यहाँ से शुरू कर दिए हैं। इधर शंकर बम है, थक गए क्या बम जी? बोलबम नहीं, थके नहीं है, थके नहीं है, चलिए चलते रहेंगे इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। और इधर देख सकते हैं संतोष बम डबल कांवर लेकर के चलते हुए, बोलबम बोलबम। और देख सकते हैं कि हम लोग अभी झिलबिया पहाड़ में हैं और झिलबिया पहाड़ का जो नज़ारा है आप देख सकते हैं, साइड में रोड आप लोगों को दिखाई देगी, सड़कें जहाँ पे गाड़ी वगैरह वाहन वगैरह पार्किंग होती है और उसी के बगल में कांवरिया पथ भी है जहाँ से हम लोगों को गुजरना है। और अभी हम लोग इधर से ही गुजर रहे हैं और इधर आप देख सकते हैं सभी बम लोग यहाँ पे हैं। बोलबम बोलबम बोलबम। और देख सकते हैं अब हम लोग झिलबिया पहाड़ की चढ़ाई की शुरुआत कर चुके हैं यहाँ से। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे में कांवरिया बम लोग आ रहे हैं और अब से चढ़ाई जो है वो कठिन यात्रा होगी। यहाँ से हम लोग जो सुल्तानगंज से झिलबिया पहाड़ तक आए लेकिन उसमें हम लोगों को कहीं पहाड़ पर्वत नहीं मिला, लेकिन अब हम लोगों को यहाँ से पहाड़ पर्वत मिलना शुरू हो चुका है फाइनली। तो आप देख सकते हैं काफ़ी कठिन यात्रा है लेकिन जाना है तो जाना है। बोलबम का नारा लगाते हुए हम लोग जा रहे हैं। बोलबम हर हर महादेव। बोलबम। और देख सकते हैं एकदम डांस चल रहा है वहाँ पे। बोलबम बोलबम बोलबम। अब हम लोग झिलबिया पहाड़ की जो मेन चढ़ाई होती है उसकी यात्रा शुरू कर दिए हैं। आप देख सकते हैं हम लोग अब इस यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं यहाँ से। और देख सकते हैं मेरे पीछे में किस तरह से कांवरिया भक्तों की भीड़ है। और अभी हम लोग चढ़ रहे हैं इस पहाड़ को, मैं बैक कैमरा में दिखाना चाहता हूँ, देखिए किस तरह से ऊँची पहाड़ है। देख सकते हैं ये झिलबिया पहाड़ की चढ़ाई शुरू हो चुकी है और एक दूसरे को हाथ पकड़ के इस पहाड़ को चढ़ा जाता है और थोड़ी खड़ी चढ़ाई है। और इधर आप देख सकते हैं झूलन बाबा झूलते हुए। ये झूलन बाबा का आप दर्शन करते हुए जाएंगे यहाँ से अगर आप झिलबिया पहाड़ आएंगे तो। बोलबम बोलबम हर हर महादेव। अभी दोस्तों समय हो चुका है 9:30 और हम लोगों ने झिलबिया पहाड़ में नाश्ता वगैरह कर लिया और नाश्ता करने के बाद अब हम लोग टंकेश्वर की यात्रा को प्रारंभ किए हैं। और अभी झिलबिया पहाड़ से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है टंकेश्वर। ये देख सकते हैं टंकेश्वर 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी फिलहाल हम लोग टंकेश्वर की यात्रा कर रहे हैं और टंकेश्वर पहुंचने के बाद फिर हम लोग वहाँ पे विराम करेंगे। देख सकते हैं हमारे जितने भी साथी बम हैं सब साथ साथ चल रहे हैं अभी। और इधर सोनू बम देख सकते हैं, बोल बम, इधर संतोष बम, बोल बम, इधर देख सकते हैं गोविंद बम है, बोल बम। तो आज की जो यात्रा रहेगी आज हम लोग कोशिश करेंगे गोड़ियारी नदी तक की यात्रा करने की। उसके बाद आगे आप लोग वीडियो पे बने रहिए, आगे की जर्नी को भी दिखाएंगे हम लोग किस तरह से हम लोग यात्रा को कर रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कांवरिया पथ में काफ़ी सारा भीड़ आप लोगों को दिखाई दे रही होगी कांवरिया की। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री शंकर, बोलबम जरूर लिखिए। बोलबम बोलबम बोलबम। बाबा की नगरी दूर है जाना जरूर, बाबा की नगरी दूर है। हर हर महादेव। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम लोग अभी टंकेश्वर में पहुंच चुके हैं और टंकेश्वर में देख सकते हैं किस तरह से यात्रा की जा रही है। और टंकेश्वर के बाद आप लोगों को सुइया पहाड़ की यात्रा देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ से सुइया पहाड़ की जो दूरी है वो लगभग 5 किलोमीटर की दूरी है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है 5 किलोमीटर का। और आप देख सकते हैं सभी कांवरिया बम बोलबम बोलबम का नारा लगाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और आज कांवरिया पथ में काफ़ी ज़्यादा भीड़ आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। बोलबम बोलबम हर हर महादेव दोस्तों। और अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग टंकेश्वर धाम पहुँच चुके हैं और ये टंकेश्वर का धाम का नज़ारा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे कांवरिया बम पहुँचते ही फोटो क्लिक वगैरह करवाते हैं। और यहाँ पे एक गुफा भी है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे और इसी गुफा में जाकर के लोग फोटो क्लिक वगैरह करवाते हैं। बोलबम। और अभी हम लोग टंकेश्वर से आगे की ओर की यात्रा करेंगे सुइया पहाड़ की। और यहाँ से सुइया पहाड़ की जो दूरी है लगभग 5 किलोमीटर की है। और आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कांवरिया पथ पर। बोलबम हर हर महादेव दोस्तों। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं टंकेश्वर और आप देख सकते हैं टंकेश्वर में किस तरह से कांवरिया पथ में कांवरियों की भीड़ है। और काफ़ी धूप हो चुकी है और इस धूप में भी कांवड़ यात्रा चल रही है जैसे कि आप देख रहे होंगे। देख सकते हैं सब कोई खाने पीने में लगे हुए हैं। और आप लोगों को टंकेश्वर में खासा करके दुकानें देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे आपको गन्ने उन्ने का जूस वगैरह मिल जाता है। आप आराम से आइएगा कांवड़ यात्रा करते हुए तो जूस वगैरह का आनंद भी ले सकते हैं। और गर्मी तो इतनी बढ़ चुकी है कि क्या ही बताएं, पूरा पसीना पसीना हो चुके हैं। आप देख सकते हैं पूरा चेहरा में पसीना हो गया है
लेकिन फिर भी थकना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते रहना है बाबा धाम देवघर के लिए। और यहाँ से कुछ ही दूर में सुइया पहाड़ है, अब हम लोग सुइया पहाड़ में अगला स्टॉपेज को रोकेंगे अपना, उसके बाद फिर थोड़ा सा आराम करते हुए फिर चलेंगे। और मेरे पीछे मैं आप लोगों को दंडवत यात्रा दिखाना चाहता हूँ, जो आप देख पा रहे होंगे टंकेश्वर तक ये दंडवत यात्रा पहुँच चुकी है और खासा धूप है, धूप के बाद भी यहाँ पे आप लोगों को दंडवत यात्रा देखने के लिए मिल रहा है। और आप देख सकते हैं एक से एक आप लोगों को कांवरिया भक्त लोग आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, जो बाबा बैजनाथ धाम यात्रा करते हुए पहुँचते हैं। कोई कांवर यात्रा करते हैं, तो कोई डागबम यात्रा करते हैं, तो कोई दंडवत यात्रा करते हैं। तो आप लोग कौन सा यात्रा करते हैं आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में बस एक ही चीज़ बोलेंगे, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, बोल बम अवश्य लिखिएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम लोग पहुंच चुके हैं टंकेश्वर, और यहाँ आप देख सकते हैं टंकेश्वर का निःशुल्क शिविर लगा हुआ है, और इसी शिविर में लोग काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। और देख सकते हैं डीजे वगैरह सारा कुछ बज रहा है। तो अभी हम लोग स्कूल के नीचे से निकलेंगे और यहीं से आप लोगों को जो गाड़ियों की वाहन है वो मिलना शुरू हो जाती है। देख सकते हैं ऊपर में गाड़ी जा रही है और नीचे नीचे कांवरिया पथ भी बना हुआ है। बेगूसराय निःशुल्क सेवा शिविर में आ चुके हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोग्राम चल रहा है। बोल बम हर हर महादेव। दोस्तों अभी हम लोग कांवड़ यात्रा करते करते लगभग हम लोग अबरखा के आसपास में पहुंच चुके हैं, और अबरखा की जो दूरी है यहाँ से माज 2-3 किलोमीटर की दूरी है। और अभी देख सकते हैं खासा धूप हो चुका है और कांवरिया पथ बिल्कुल खाली हो चुका है, और हमारे जितने भी साथी बम थे सब कोई आगे पीछे चले गए हैं। तो चलिए उन लोगों का भी इंतज़ार करते हैं और उसके बाद फिर आगे की यात्रा को आप लोगों को दिखाते हैं। अब देख सकते हैं धूप इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि सभी कोई कांवर को स्टैंड करके रखे हुए हैं यहाँ पर। और इधर देख सकते हैं इधर जो होटल वगैरह होते हैं उस होटल में सभी कोई आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से आप लोगों को कांवरिया पथ में होटल वगैरह दिखाई देगा, जहाँ पर आप आराम से रुक करके विश्राम वगैरह कर सकते हैं, देख सकते हैं। और होटल के बगल में आप लोगों को इस तरह का झरना दिखाई देगा, जहाँ पे आप जैसे ही कांवर स्टैंड करते हैं उसके बाद जब आप कांवर को दोबारा लेकर के चलते हैं तो स्नान करके चलना पड़ता है, आप देख सकते हैं। और ये जो भी होटल वाले का होता है वो 10 रुपया या 5 रुपया आप लोगों को स्नान करने का शुल्क लेते हैं, उसके बाद फिर आप अपनी यात्रा को यहाँ से आगे की ओर लेकर के चलते हैं। और इधर आप देख सकते हैं आलू केला का जलेबी का एड चल रहा है, एक जलेबी में 5 किलोमीटर चले जाइएगा, सुनिए। और ये फलहारी जलेबी आप खाते पीते जाइए बम जी, आइए इतना बढ़िया ये जलेबी और कहीं नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि पूरा चेहरा में एकदम पसीना पसीना सा हो गया है, और क्या ही बताऊं, मतलब पाँव इतना हीट हो रहा है ना कि एकदम चलने का मन नहीं कर रहा, बालू पूरा गर्म हो चुका है और पाँव तो अभी बहुत ज़्यादा जल रहा है। बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है आज की कांवड़ यात्रा में। और डे टू की जो शुरुआत हुई थी मॉर्निंग में तो बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन जैसे जैसे दोपहर चढ़ रहा है 11-12 बजने का टाइम जैसे जैसे हो रहा है, बालू बहुत ज़्यादा हीट हो जा रहा है, बरसात नहीं हुई है, बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है तब जाके ये यात्रा को कर पा रहे हैं हम लोग। आप लोग कॉमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री शंकर जरूर लिखें। बोल बम बोल बम। और दोस्तों अभी हम लोग अबरखा के आसपास में पहुंच चुके हैं, और ये देख सकते हैं यहाँ की जो रोड है वो अबरखा की रोड और कांवरिया पथ दोनों सटे हुए रहते हैं, आप देख सकते हैं। और अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे में कांवरियों की भीड़। बोल बम हर हर महादेव। और यहाँ से अब हम लोगों की जो यात्रा रहेगी वो सुइया पहाड़ की रहेगी, और यहाँ से कुछ ही दूरी के बाद आप लोगों को सुइया पहाड़ भी देखने के लिए मिलेगा। बोल बम